फर्टिलाइजर्स लिमिटेड कंपनी की तरफ से हूँ। अभी हमारे साथ में जो ये रामावतार पचौरी जी हैं, तो इन्होंने मुझे बताया कि आपके यहाँ पे जो है मिर्च की खेती बहुत बड़े पैमाने पे की जाती है। हालांकि आप लग सो अपने खेत में सब लोग काम कर रहे थे, तो हमने अभी गर्मी का भी मौसम है, तो हम सब लोगों ने ये बड़ी इनका भी मैं शुक्रिया गुजार करता हूँ कि इतनी मेहनत के बाद में आप सब किसान भाइयों को यहाँ पे एकत्र किया है। तो आज की जो हमने ये किसान गोष्ठी रखी है वो मिर्च में जानकारी देने के लिए रखी है। हालांकि वैसे जो सबसे बड़ा जो डॉक्टर कहा गया है वो एक किसान भाइयों को ही कहा गया है, किसान ही सबसे बड़ा डॉक्टर होता है। क्योंकि उसका एक कारण है, जब से पौधा जमता है और जब तक पौधा कटता है तब तक उसमें दिन प्रतिदिन जो परिवर्तन होता है वो किसान जो है डेली उसमें देखता है, किस टाइम में कौन सा कीड़ा लगा, किस टाइम में कौन सी बीमारी लगी, तो उसके लिए उसको सब पता है। इसीलिए किसान को ही सबसे बड़ा डॉक्टर कहा गया है। अभी जैसा कि मैं देख रहा हूँ आप लोगों की मिर्च कुछ ट्रांसप्लांट होनी शुरू हो गई है और कुछ की जो है अभी आपकी नर्सरी डली हुई है। तो मिर्च में सबसे पहले हम जो बीमारियाँ आती हैं, हम मिर्च की बीमारियों के बारे में आपसे बात करते हैं। मिर्च की यदि हम बीमारियों की बात करें तो मिर्च में सबसे जो भयंकर बीमारी आती है वो एक तो डाईबैक आती है, दूसरे डैम्पिंग ऑफ आता, तीसरे फल गलन आती है, तो चौथे जो है झुलसा आता है। तो ये तीन चार जो बीमारियां हैं इसकी मेन बीमारियां हैं। यदि हम कीड़ों की बात करें तो कीड़े भी मिर्च की फसल में आपका एफिड आता है, जैसिड आता है, थ्रिप्स आता है और जो है माइट आती है और आपका जो है फ्रूट बोरर आता है ना, फ्रूट बोरर आप लोग समझते हैं जो फल में सूंडी आती है उसको फ्रूट बोरर होते हैं। अभी जो मैं मिर्च के एरिया से आया हूँ वहाँ पे बरेली में भी जो है शिमला मिर्च काफ़ी बड़े पैमाने पे की जाती है। तो मिर्च में जो सबसे बड़ी अहम दिक्कत आती है वो सुखड़े की आती है नहीं, उससे सब आप लोग परिचित हैं। तो सुखड़े के लिए जो वो माइट की वजह से जिन भी पौधों में पकड़ी होगी माइट होगी वो माइट जो है पौधे का रस चूसेगी और रस चूसने के बाद में वो पत्ता जो है हमारा सुकड़ जाएगा, ऐंठ जाएगा। तो उसके लिए ये मेरी कंपनी का सबसे अच्छा ये प्रोडक्ट आता है, ये जो देख रहे हैं आप देख रहे हैं नहीं, सुपर सोनाटा आता है। इसको यदि आप 30 ml प्रति टंकी के हिसाब से आप अपनी चाहे तो आपकी शिमला मिर्च हो, चाहे आप जो अचार वाली मिर्च हो वो हो, या आपकी जो हम लोग खाने में यूज करते हैं वो वाली मिर्च हो, आप इसको सुपर सोनाटा को 30 ml प्रति टंकी के हिसाब से आप यदि लगाएंगे तो आपकी मिर्च का जो सुकड़ा है वो खुल जाएगा। लेकिन कम से कम आप लगातार ना लगा के कम से कम आपको इसके 2-3 स्प्रे करने पड़ेंगे। फ़ायदा तो आपको जो है पहले ही स्प्रे में नज़र आने लगेगा, लेकिन दूसरे स्प्रे में तो आप ये कहेंगे कि हाँ जो है मैंने सुपर सोनाटा कोई दवाई लगाई है, और अगले बार आप लेने दुकान पे खुद ही पहुंच जाएंगे, फिर हमें सलाह देने की जरूरत नहीं है। दूसरे इसके साथ में एक आप इस दवाई को और मिला सकते हैं, ये 24 कैरेट आती है, 24 कैरेट आती है। ये जो है 24 कैरेट ये एक टॉनिक है, ये एक PGR है, ये भी आपको एक टंकी में 50 ml लेना है। तो इस जो 24 कैरेट 24 कैरेट का मेन काम है वो ये है कि इससे आपकी मिर्च की फसल में फूल अधिक आएगा, फल अधिक आएगा और आपके पौधे को ताकत मिलेगी। ठीक है, तो आप इन दो दवाइयों को जाने नहीं, जैसा कि मैं आपको पहले ही समझा रहा था, ज़्यादा दवाई आपको नहीं आपस में मिलानी, ये दो ही दवाई मिला कर आप स्प्रे कर देंगे। ठीक है, दूसरी अब बात आती है यदि बीमारी की, यदि कई बार क्या है कि मिर्च में डैम्पिंग ऑफ आ जाता है, डैम्पिंग ऑफ आ जाता है जो नर्सरी में आता है, तो उसके लिए मेरा जो है प्रतिष्ठा नाम की एक दवाई आती है। यदि आप उसको नर्सरी में 50 ml प्रति टंकी के हिसाब से करेंगे तो उससे क्या है आपकी नर्सरी में जो डैम्पिंग आक है जिसको पौध गलन बोलते हैं तो आपका रुक जाएगा। इसके बाद आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे जैसे
आपकी मिर्च बड़ी हो जाती है। अभी मैं पीछे यहाँ पे भी गया, ये बरेली में भी एक नवाबगंज एरिया है, वहाँ पे एक बहुत बीमारी, बड़ी लार्ज स्केल पे बीमारी आई हुई थी, ये डैम्प डाई बैग आई हुई थी। तो वहाँ पे मैंने किसानों को जो है अपना एक प्रीडक्ट नाम की दवाई आती है जो फंजीसाइड है, उसको 25 ml पिट्टी टंकी के हिसाब से लगाया। तो मैं आपको सच बताना चाहता हूँ, जो मेरी आंखों का प्रैक्टिकल है, उसने तुरंत जहाँ पे तहाँ आपका डाई बैग था वो वहीं पे रोक दिया, ठीक है। तो ये डाई जो आपका प्रीडेक्ट है, ये डाई बैग में बहुत बढ़िया काम करता है, इसको आपको 25 ml पिट्टी टंकी के हिसाब से लगाना है, ठीक है। दूसरे अब हम थोड़े कीड़े की बात करते हैं। कीड़ा भी इसमें जैसे फ्रूट बोरर आता है, फल में छेद करना आता है नहीं, तो उसके लिए जो है आपको एक्सपर्ट नाम की एक दवाई आती है, एक टंकी में 10 से 15 ग्राम पिट्टी टंकी के हिसाब से करेंगे तो आपका जो फ्रूट बोरर है वो रुक जाएगा, ठीक है। तो ये तो थी मेरी तरफ से बताई जाने वाली जानकारी, है ना। अब यदि आप कुछ और पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। ज़्यादातर पूरा दिन लगा होता है। अच्छा, तो ये उससे भी अच्छा काम करेगी। बीच वाले से काम तो करते हैं।